आज हम इस वीडियो में क्लास 10th प्रोबेबिलिटी चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आने वाले एक क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, आपके एनसीईआरटी बुक से ही है, पेज नंबर 311 जो आपके वहाँ दिया होता है। कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया होता है। आप लोग बहुत से लोग कहते हैं टीचर नहीं आता, लेकिन नहीं, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऑप्शनल वाले से एक्सरसाइज से है, तो वो पेज नंबर 311 क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को समझा देते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ये बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। उसमें 5 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल्स। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ बता दी गई किसकी। कह रहा है ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल है किसकी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो आपको ये पता करना है कि उस बैग में ब्लू बॉल्स कितने थे। तो आ जाओ मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो इसका सॉल्यूशन, ये मैंने लिख दिया सॉल्यूशन, क्लियर। तो सबसे पहले एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हो उसी तरह से लिख रहा हूँ। लिख दो नंबर ऑफ रेड बॉल्स एन आर, नंबर ऑफ रेड बॉल्स एन, रेड लिख दिया वो समझ गया एग्जाम में, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने 5। ब्लू बॉल तो यहाँ पता नहीं है, तो उसको मान लेते हैं एक्स एंड लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल्स इसका तो कितना एक्स मैंने मान। तो अगर नंबर ऑफ रेड बॉल्स यहाँ आपने 5 दिया है और ब्लू बॉल आपने कितना मान लिया एक्स, तो टोटल बॉल कितने हो गए, देन टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स इसका मतलब जिसको एनएस कहते हो, तो कितना हो गया 5 प्लस एक्स। क्या ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं, ब्लू बॉल की निकाल सकते हैं, तो मैं लिखने जा रहा हूँ 9। According to question, वहाँ एग्जाम में 82 मत लिखिएगा, according to question, क्या कह रहा है ये ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो ब्लू बॉल मतलब क्या, P into ब्लू बॉल, ब्लू बॉल, ठीक है, यानी P मतलब प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ मैं लिख दिया P रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल। तो देखो मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, वो जो क्या है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। कह रहा है जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल से डबल है, यानी अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी सपोज करो कि अगर ये यहाँ कुछ मान लो आ गया वाई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, इसकी डबल है रेड की, तो जो वाई रहेगी। ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि ब्लू बॉल की कह रहा था डबल है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की। मैंने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो भाई जब अगर यहाँ इक्वल लगाना चाहोगे तो या तो यहाँ से 2 से डिवाइड करो, या तो यहाँ क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करो, समझ में आता है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया समझ में आ गया, एक बार फिर से समझ लो, कह रहा है ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है रेड से डबल है, तो अगर इसको y मानोगे तो इसको 2y, तो बैलेंस करने के लिए हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया समझ में आ गया। अब आगे ब्लू बॉल की किसी भी चीज की प्रॉबर्टी कैसे लिखते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ब्लू बॉल कितने थे x थे, तो आपने लिख दिया x अपॉन टोटल बॉल कितने थे 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू रेड बॉल कितने थे 5 थे, टोटल बॉल यहां कितने थे 5 प्लस एक्स थे, यहां तक क्लियर। अब भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या वैसे ही चीज देख लो डिनोमेटर, तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, ये पूरा चीज सेम है, क्लियर। तो ये तो पूरा वैसे ही कैसे हो जाएगा, नहीं समझ रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये तो 5 × 10 हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको इससे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको इससे करोगे तो 2 × 5 = 10 पहले से लिखा हुआ है, इंटू दिस लिखोगे तो ये हो गया 10 इंटू 5 प्लस एक्स। अब देखो ये चीज दोनों में सेम है, ये तो कैसे हो जाएगी, तो बचेगा ये हो जाएगा x इक्वल 10। क्या ये बात समझ में आ गई। अब कुछ लोग कहेंगे कैंसिल नहीं किया जाता, भाई x की वैल्यू अगर सॉल्व भी करोगे तो निगेटिव आएगी, इसलिए इसको लिया नहीं जाता, तो कैंसिल कर दो ज्यादा ठीक है। तो ब्लू बॉल्स कितने आ गए 10 आ गए, ये हो गया आपका आंसर। याद रहे ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्लियर हो गया।